जम्मू कश्मीर पर सोलन भाजपा मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो फैसला आज धारा 370 को हटा कर लिया गया है, इस तरह का ऐतिहासिक फैसला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री ही ले सकता था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सारा भारतवर्ष खुश है। जम्मू कश्मीर पर सोलन भाजपा मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो फैसला आज धारा 370 को हटा कर लिया गया है, वह फैसला ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री ही ले सकता था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सारा भारतवर्ष खुश है, जिसके लिए वे अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सत्ता को हथियाने के लिए धारा 370 का बीज बीजा गया था, जो कई दशकों के बाद आज नष्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि J&K के नेताओं का गठजोड़ पाकिस्तान के साथ था, जिसके चलते वहां अमन शांति नहीं थी, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। सोलन के माल रोड पर भाजपा ने रैली निकाली और पटाखे फोड़कर ऐतिहासिक फैसले पर खुशी भी जताई। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि धारा 370 की समाप्ति से जम्मू कश्मीर, जिसे जन्नत कहा जाता था, उसे दोबारा जन्नत बनाने के मार्ग खुल चुके हैं। यहां के पर्यटन को दोबारा पंख लगेंगे, यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए साधन विकसित होंगे। कश्यप ने कहा कि वहां फिर से खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने मैनिफेस्टो में प्राथमिकता रखी थी, उसे पूरा किया गया है। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नेहरू की नीतियों की वजह से जम्मू और कश्मीर इस हालत में था, लेकिन अब वहां की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाए, उसका आज निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है। इसके लिए हम केंद्र की सरकार और विशेष तौर से श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने ये एक जो देश की जनता 130 करोड़ लोग जो हैं, जिसकी वजह से अभी 2019 में जो मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसका निर्णय आज उन्होंने लिया है। और हम सभी आज देशवासी खुश हैं कि केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर पर इसलिए पड़ने वाला है कि वहां की खुशहाली जो खत्म हो चुकी थी आतंकवाद के पैदा होने से और पाकिस्तान की वहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने की वजह से, आज वहां के नौजवानों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा, वहां की जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी आएगी, और इसी के साथ साथ वहां का पर्यटन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो पुनः जो है स्थापित होगा। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय, और इसलिए भी जरूर निर्णय बड़ा हिस्टोरिकल है क्योंकि जनसंघ की स्थापना जो है वो एक राजनीतिक दल जो है कांग्रेस से हटकर बना था इस देश में, वो इसलिए बना था कि नेहरू जी की जो नीतियां थी वो कह सकते हैं कि वहां पर आज जम्मू कश्मीर को जो अलग थलग किया गया था वो उन्हीं की वजह से था। आज वो है देश जो है के साथ पूरी तरह से ताकत के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचयूटी के साथ। नमस्कार।